नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, चुनावी माहौल गर्मा गर्मी पर है। लगभग सभी कर्मचारियों की ड्यूटी आ चुकी है, अगर किसी की नहीं भी आई है तो वो आ जाएगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव प्रक्रिया में पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जानते हैं PO1, PO2 और PO3 के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। दोस्तों, PRO यानी PO1, PO2, PO3 के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व दोस्तों, एक बार मैं आपको आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें देखिए ये आराम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे कक्ष मिलेगा उसमें दो तरह के गेट होंगे। एक होगा एंट्री गेट, दूसरा एग्जिट। एक से एंट्री होगी यानी अंदर आएंगे और दूसरे से वापस बाहर निकलेंगे। जब भी अंदर आएंगे तो सबसे पहले वो पीओ फर्स्ट के पास जाएंगे, फिर पीओ टू के पास और अंत में तीसरे नंबर पर जो है वो पीओ थर्ड है, जिसके पास सीयू रहेगी और सीयू का बटन ऑन करेगा। यहाँ पे आएगा वीवीपैट और बीयू और अंत में इसी तरह से एग्जिट हो जाएगा। कहीं भी मतदान देने वाला जो इस बीच में नहीं घूम सकता। ये आप सभी को लगभग पता है कि एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग है। अगर एक कमरे में आपको ऐसा मतदान कक्ष मिला है जिसमें एक ही गेट है, तो आप इसके बीच में एक गेट में एक रस्सी बांधकर एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जब भी ड्यूटी लगेगी तो आप तीनों को यानी पीओ फर्स्ट, पीओ सेकेंड और पीओ थर्ड को एक ही प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी और एक ही प्रकार की आपको ट्रेनिंग मिल भी चुकी होगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी भी एक जो अधिकारी है, मतदान अधिकारी, अगर वो किसी बाई चांस अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको पीओ फर्स्ट को पीओ सेकंड के भी कार्य करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप तीनों को ही, तीनों अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं एक एक के कर्तव्य आपको अलग अलग पढ़ के अभी आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहला आपका जो कर्तव्य रहेगा PO1 का, यानी PO फर्स्ट से लेकर PO3 तक मैं लाइन वाइज आपको अपने एक एक कर्तव्य बताऊंगा। सबसे पहले पीओ फर्स्ट है, प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का भाषातक होगा। यानी निर्वाचक नामावली, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं, तो वोटर लिस्ट सबसे पहले चिन्हित जो प्रति होगी वो पीओ फर्स्ट के पास रहेगी। दूसरा हमारा कर्तव्य ये है, जो पीओ फर्स्ट है, निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है। जो भी मतदान देने के लिए आते हैं निर्वाचक, उनके लिए उनकी पहचान PO1 ही करेगा। और PO1 का और जो काम है वो है निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संबंध में करना चाहिए। चौथा, प्रशासन द्वारा शासकीय पहचान पर्ची यानी वोटर स्लिप वितरित की जाती है, जिसे मतदाता की पहचान की जा सकती है। यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है, अतः इसके धारक को किसी अन्य दस्तावेज लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर वो BLO से जारी पर्ची वोटर स्लिप लेकर आता है बताता, तो आप इसी के आधार पर इनको वोट दिलवा सकते हैं। किंतु पहचान के लिए केवल वोटर स्लिप लाना ही पर्याप्त नहीं है, मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। और जो आगे हमारे कर्तव्य आते हैं, वीडियो में अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मतदाता अपने साथ अशासकीय पर्ची भी ला सकता है, जिस पर निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा मतदान केंद्र की संख्या और नाम हो सकता है, जहां उसे मत देना है। इस पर्ची के साथ मतदाता को पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अशासकीय पर्ची में किसी अभ्यर्थी या उसके दल या उसको आवंटित प्रतीक चिन्ह नहीं छपा हो। सातवां हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अशासकीय पहचान पर्ची भी निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी। आठवां हमारा जो कर्तव्य है PO1 का, दोस्तों मैं अभी PO1 के कर्तव्य बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा PO2 और PO3 के भी कर्तव्य। प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा, यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। प्रथम
प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात के लिए विशेष ध्यान रखें कि प्रथम मतदान अधिकारी के बाद जब भी मतदाता पर्ची यानी स्लिप लेकर आता है तो प्रथम मतदाता सबसे पहले उसका नाम जोर से बोलेगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उसका नाम अंडरलाइन नहीं करेगा, अपितु फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा। ये आप विशेष ख्याल रखें। PO1 महिला मतदाता अगर आ जाती है आपके सामने तो महिला मतदाता के नाम के आगे टिक मार्क नहीं करना है, अपितु उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला यानी राउंड बना देना है। अगर महिला मतदाता आपके सामने आ जाती है तो ये टिक मार्क नहीं करोगे, आप राउंड में यानी गोला करोगे। आगे जो कर्तव्य आते हैं वो ये है, प्रथम मतदान अधिकारी यानी जिन मतदाताओं की पहचान फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके नाम के बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा यानी ईपिक कार्ड का ई, अगर वो फोटो पहचान के आधार पर अपना ईपिक कार्ड लेकर आते हैं। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे, यानी अगर प्रथम मतदान अधिकारी को कोई डाउट है तो सीधा PRO के पास भेज दें। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगे, अल्प आयु के मामले में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जानी चाहिए। मतदाता सूचियां फोटो युक्त है, यदि इनके मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता का फोटो आयु या लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने से अनुज्ञात किया जाएगा। यानी ऐसे मतदाताओं को अगर आप में आपके पास जो भी सूची है वोटर स्लिप है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है टाइपिंग में या उसकी फोटो आयु में लिंग में या उसकी फोटो में तो आपके पीछे बैठे पोलिंग एजेंट अगर वो मना नहीं करते तो आप उनको वोट दिलवाएंगे। अब आते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। PO1 के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को जानने के बाद अब बारी आती है PO2 के पास, जिसके पास रहती है एक रजिस्टर और एक स्याही और पर्ची जो इसको वितरित करनी है। तो सबसे पहले जो PO2 का कर्तव्य है वो ये है, द्वितीय मतदान अधिकारी अमित शाही का भाषाध्यक्ष होगा यानी इनके पास अमित शाही रहेगी। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति के साथ बैठा होगा, यानी वोटर स्लिप एक तो PO1 के पास रहेगी और ऐसी ही PO2 के पास भी रहेगी। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी, यानी आपके पास PO2 के पास तीन तरह का काम है। सबसे पहला मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची और अमित शाही। तो आपको मैं एक यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा कि जो भी मतदाता आपके पास आए सबसे पहले आप उनकी उंगली को चेक करते हुए उंगली पे अमित शाही लगा दें, यानी आपका जो ट्रिक रहेगा वो ये है शाही रजिस्टर और पर्ची। इसे आप आसानी से काम कर पाओगे और जल्दी भी होगा कि सबसे पहले आप उसकी उंगली पर निशान लगाओगे अमित शाही का स्याही, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करोगे स्याही रजिस्टर और पर्ची, उसके बाद ही उसको पर्ची वितरण करोगे। अब देखे जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा। इस पर कोई अमित शाही का चिन्ह तो नहीं है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, इस बात का विशेष ख्याल रखें। मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून और एवं चमड़ी के रिज युग्म पर अमित शाही का निशान लगाएगा। यानी सबसे पहले तो आपको PO2 को जो भी मतदाता आता है उसकी अंगुली बाईं हाथ की तर्जनी अंगुली पर निशान लगाना है। उसके बाद मतदाता के रजिस्टर 17 क में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि 17 क रजिस्टर है वो किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार आप उसका क्रमांक लिखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेगा। अगला जो कर्तव्य आता है PO2 का वो ये है, मतदाता रजिस्टर 17 क में ईपिक के आधार पर मतदान किए जाने वाले मतदाता के रिमार्क कॉलम में ईपी यानी ईपिक, अगर कोई व्यक्ति ईपिक कार्ड लेकर आता है
यानी मतदाता पहचान कार्ड लेकर आता है तो आपके आगे 17 क रजिस्टर में आगे रीमा कॉलम में टिप्पणी में ईपी लिखोगे तथा वोटर स्लिप के आधार पर मतदान किए जाने वाले रीमार्क कॉलम में वीएस अंकित किए जाएंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें, काफी बार यहाँ आप भूल कर देते हैं, कभी ये जो PO2 रहते हैं, काफी अधिकारी है वो इसी बात में भूल कर देते हैं कि ईपी लिखें वीएस लिखें, वहाँ हड़बड़ी बहुत ज्यादा रहती है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर वो वोटर स्लिप लेकर आते हैं तो वीएस लिखें, वोटर स्लिप ईपी कार्ड लेकर आते हैं तो ईपी लिख दें। यदि मतदान अधिकारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज लेकर आता है तो उसे दर्शाते हुए दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 अंक रजिस्टर 17 क के रिमार्क कॉलम में अंकित किए जाएंगे। अर्थात इसका उदाहरण, जैसे आपके पास कोई मतदाता आधार कार्ड लेके आता है, आधार कार्ड लेकर आता है तो आप उसे अंकित करते हुए, ये लिखा हुआ है, यदि मतदाता को अन्य पहचान दस्तावेज लेकर आता है, अन्य यानी ईपी कार्ड और वोटर स्लिप के अलावा, उसे दर्शाते हुए आपको लिखना पड़ेगा आधार, अगर आधार लेकर आता है तो, और आधार के पिछले 4 अंक 17 का रजिस्टर में लिख दें। अब आगे जो कर्तव्य आता है वो ये है, मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं है, अर्थात हस्ताक्षर जो है वो उनके स्पष्ट होने चाहिए। आठवां हमारा कर्तव्य यह आता है कि यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अगर आपको निशान लगाना है तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर ही निशान लगाना है, और अंगूठा लगाना है वो भी बाएं हाथ का ही अंगूठा लगवाना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो आप दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं, यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप लें, यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुली की छाप लें, यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है, अगर दोनों हाथ ही नहीं है तो मतदाता के साथी जो मतदाता के साथ आए हैं उनके हस्ताक्षर अंगूठा निशान लेने चाहिए, यह मतदाता किसी साथी की सहायता से मतदान कर रहा है। उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदान पर्ची जारी करेगा, ये आता है हमारा तृतीय काम। तीसरा काम ये है, सबसे पहले हमने उनकी अंगुली पर निशान लगाया बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर, फिर 17 क रजिस्टर में उसका नामांकन किया, अब हमारा काम है पर्ची जारी करना। तो वह इसमें 17 क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित कर देगा। फिर है द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी यह मतदान पर्ची शासन द्वारा जारी शासकीय वोटर स्लिप का प्रतिस्थापन नहीं है, अर्थात इस रजिस्टर पर्ची को आप बाहर नहीं ले जा सकते, ले जाने दें, ये पर्ची PO3 के पास ही इकट्ठी होगी। अब आपको दिखाते हैं मतदाता रजिस्टर 17 क का प्रारूप, देख लीजिए किस प्रकार रहेगा। ये है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क, मतदाता रजिस्टर ये निर्वाचक क्षेत्र से लोकसभा या राज्य विधानसभा जो भी है, मतदान संख्या और नाम, नामावली में भाग भाग संख्यांक, और ये अंदर का पेज, आपको यहाँ क्या क्या करना है, ऊपर पेज संख्या है, यहाँ निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या क्या है वो अंकित करना है जो वो जारी होता है, निर्वाचक का हस्ताक्षर और अंगूठा लेना है, यहाँ टिप्पणी में आपको लिखना है अगर वो पहचान के लिए क्या क्या दस्तावेज लेकर आते हैं, अगर वो अपना ईपी कार्ड लेके आते हैं तो ईपी यहाँ दर्शाओगे, अगर वोटर स्लिप लेकर आते हैं तो वीएस लगाओगे, अगर वो अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है तो उसके अंतिम 4 अंक दर्शाओगे। ये है 17 का रजिस्टर का अंदर का पेज जो आपको PO2 को मिलेगा। अब है मतदाता पर्ची जो आप जारी करोगे वो इस कुछ इस प्रकार की होगी, मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या क्या है, सबसे ऊपर तो यहाँ क्रम संख्या रहेगी, फिर निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट क्रम संख्या क्या है उनकी वो, और मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर यहाँ आपको करने हैं। अब बारी आती है दोस्तों तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य के बारे में। तृतीय मतदान अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है कि वो नियंत्रण यूनिट का भाषाध्यक्ष होगा, यानी CU तृतीय मतदान अधिकारी के पास रहेगी। तृतीय मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास उसी की मेज पर बैठेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची मतदाता से प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा, यानी PO2 जो पर्ची जारी करेगा वो मतदाता से लेकर PO3 अपने पास रखेगा।
नियंत्रण यूनिट यानी CU के बैलेट बटन को दबाकर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट को चालू करेगा। मतदाता को उसका मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रोकेगा। निर्वाचक की वोटिंग कंपार्टमेंट में वापस आने पर निर्वाचक की बाएं तर्जनी पर अमित शाही के चिन्ह की जांच भी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आज हमने जाना कि PO1 PO2 के महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। अब आगे के वीडियो में मैं एक और जारी करूंगा जिसमें महत्वपूर्ण जो आपके वोट है उनको बताऊंगा, जैसे प्रॉक्सी वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, यानी तरह तरह के जो भी वोट है इनके बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।